हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक लार्ज कैप के बारे में देखेंगे। जी हाँ, जनरली एसेट कंपाउंडर एकेडमी लार्ज कैप जल्दी लाता नहीं है फ्रेंड जी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ब्रेकआउट का चांस बहुत कम होता है। ब्रेकआउट होता भी है तो 20-25-30%, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में और अपने आप को एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर फॉर ऑल इन्वेस्टर के लिए प्रूव कर सकता है खुद को। जी हाँ फ्रेंड, उस कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड, यूनिक बिजनेस है इसका। बिजनेस क्या? कंटेनर बनाता है। बड़े बड़े जो आप कंटेनर देखते हो, लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जो पोर्ट पे जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं सामान के लिए, उनको ये बनाता है। जो ट्रेन में मालगाड़ी पे आप देखते हो कि बड़े बड़े कंटेनर लगे होते हैं जिनके अंदर सामान लगा होता है बॉक्स टाइप का, वो कंटेनर ये बनाता है। यूनिक बिजनेस है जी हाँ, और प्लस लार्ज कैप है। दूसरा मुद्दा क्या उठता है, क्या ये अंडरवैल्यूड है? इसका चार्ट क्या है, ठीक है, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है इसका? प्लस बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैं फंडामेंटल इसका पहला बार देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसका फंडामेंटल देखा होगा, फंडामेंटल देख करके बहुत सारे ने निगलेक्ट किया होगा, बहुत सारों ने बाय किया होगा। इसका टेक्निकल चार्ट बहुत सारों ने देखा होगा, इसका फाइनेंशियल सारे बहुत सारे इन्वेस्टर ने देखा होगा, बैलेंस शीट सब ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया होगा। लेकिन जिन्होंने बाय किया होगा, क्या वो कंफर्टेबल हैं या फिर अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा, या फिर उनको लग रहा है कि बहुत बढ़ चुका है अब निकाल देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो किसी क्राइटेरिया के कारण वेट कर रहे होंगे कि थोड़ा और अंडर वैल्यूड आएगा तो इसे बाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सबका सॉल्यूशन हम आपके सामने आज लाएंगे। ऐसा ही एक और लार्ज कैप जो अपने अगले वीडियो में मैं आपके सामने लाने वाला हूँ फ्रेंड, उसके लिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और अपने पोर्टफोलियो में जल्दी से जल्दी आप उसे ऐड करें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये स्टॉक। मैंने बता दिया सबसे पहले कि ये स्टॉक काम क्या करता है, कंटेनर बनाता है, बड़े बड़े बॉक्सेस बनाता है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, लोहे के बड़े बड़े बॉक्सेस, शिप्स, पोर्ट्स, ट्रक्स, रेल, ट्रेन, हर जगह ये यूज होता है, ठीक है, कंटेनर बनाता है। ओके, अगर इसके हम लोग साइट पे जाना चाहें तो साइट पे भी जा करके हम लोग देख सकते हैं कि आखिरकार ये काम क्या करता है फ्रेंड। एक फॉर एग्जांपल एक आपको झलक दिखा दूं यहाँ पे, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ये सारे ये कंटेनर बनाता है। ओके, ये कंटेनर ये बनाता है। ओके, अब इससे आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या काम करता है। आइए अब देखते हैं, सबसे पहले इसके पी पे नजर डालें तो 37 है, ठीक है फ्रेंड, एक्स बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं कह सकते, ठीक है। आरओई पे नजर डालें, पिछले साल का 10% का है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड, एवरेज वैल्यूड भी इसको बोल सकते हैं। फेस वैल्यू देखें तो 5 का है। ओके, बाकी का भी स्नैप लेते हैं कि भैया ये क्या कहता है। पिछले 7 साल का आरओई देखें तो एवरेज एफरेंट अराउंड 14% का है, क्योंकि एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो अपने आप में यूनिक है फ्रेंड, ठीक है। आरओई देखें तो पिछले 7 साल का एवरेज 10% का है और सेल्स ग्रोथ 3% का है, ठीक है। नेटवर्थ और मार्केट कैप को कंपेयर करें तो भी ये एवरेज वैल्यू जान पड़ता है। ये सब तो हो गया इसका स्नैप, ठीक है। अभी तक जो भी आपको दिखा यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ चलो ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, डेट फ्री होना चाहिए। तो आइए डेट फ्री पर नज़र डालते हैं और ये जो चार्ट देखा ये बाद में लास्ट में सबसे देखेंगे और उसके अनुसार अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी डेट फ्री है और पे आउट डिविडेंड भी, डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छा खासा अमाउंट में देता है, 55% का, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं कि भाई साहब इसका रोस क्या है। रेशियो सेक्शन में आते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कि भैया इसका रोस पिछले 10 साल में कैसा है। ये हो गया रेशियो। 2011 से बात करें तो 23, 22, 20
ठीक है, और उसके बाद लगातार ये रोज अपना मेंटेन किए हुए है। सबसे कम रोज का एवरेज परसेंटेज जो है वो 2021 में है और 2022 उसके बाद है। कोरोना का इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है। ठीक है, ओके, ये रहा हमारे पास इसका स्नैप। तो रोज कुल मिलाकर के अराउंड 20% के आसपास एवरेज ये देखने के लिए मिल रहा है पिछले 10 सालों में। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब जो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर का क्या भरोसा है। प्रमोटर एक भी 0.1% भी अपना स्टेक चेंज नहीं किया है। प्लस इसमें जो मेन बेनिफिट है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो इस पे गौर कीजिएगा, FII का होल्डिंग इसमें 24% के अराउंड है। हालांकि थोड़ा सा इसने परसेंटेज एग्जिट भी किया है और DII मतलब इंडिया डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका ग्रोथ और ब्रेकआउट आने वाले टाइम में काफी अच्छा दिख सकता है और एक मल्टी बैगर बहुत ही कम टाइम में साबित हो सकता है, एक लार्ज कैप जो मल्टी बैगर बनेगा, आपको रिटर्न देगा फ्रेंड। इसके बाद आइए देखते हैं अभी तक जो भी हमने देखा, डेट फ्री कंपनी है, सेटिस्फैक्ट्री है, रोज अच्छा है, ROE सेटिस्फाइड कर रहा है, डिविडेंड पे आउट काफी बढ़िया है इसका। अब अगर टेक्निकल चार्ट इसका देखते हैं तो ये चार्ट जो शो कर रहा है एक स्टेबल कंपनी की तरफ डिनोट कर रहा है, क्योंकि अब ये एक 45 डिग्री का अप्रॉक्स चार्ट बनाए हुए है। यहां से अगर कंपेयर करें तो एक 45 डिग्री का चार्ट बनाए हुए है, तो ये एक स्टेबल कंपनी की तरफ डिनोट करता है। लेकिन जो इसका FII होल्डिंग है, DII होल्डिंग है और जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको देखते हुए, ठीक है, यहां पे एक सूटअप देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। हो सकता है ये 45 डिग्री से ही ग्रो करता रहे, फिर भी अगर 45 डिग्री का ये ग्राफ मेंटेन करता है तो भी आपके पोर्टफोलियो को काफी अच्छा रिटर्न देगा और कह सकते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर साबित हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, प्लस इसका अगर हम लोग टारगेट प्राइस देखें और स्टॉप लॉस देखें तो ये इसका मेजर सपोर्टिंग लेवल है 600 का, जिसके आसपास वो अभी घूम रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये 500 तक आ सकता है। तो हमें वेट करना है कि 600 के नीचे आता है तो हमें 500 पर 50% बाइंग करनी है। 50% जो बाइंग है हमें वो 500 प्राइस पे करनी है, और अगर ये 500 नहीं आता तो फिर हमें 700 क्रॉस करने का वेट करना चाहिए। जैसे ही ये 700 क्रॉस करे आप इसमें 100% अपना पोजीशन बना सकते हो फ्रेंड। ठीक है, जो इसका फंडामेंटल हमने देखा और जो कंपेयर करें पिछले हाई से जो इसने बनाया है उसके अनुसार इसका प्राइस अराउंड फ्रेंड 1000 के आसपास नियर टर्म में देखने के लिए हमें मिल सकता है। मतलब क्या, अराउंड 40-45% नियर टर्म में हमें देखने के लिए मिल सकता है, और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। यूनिक बिजनेस मॉडल है, कॉम्पिटिटर बहुत कम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफी ज्यादा है स्टेक बनाए हुए हैं, डोमेस्टिक भी काफी ज्यादा स्टेक बनाए हुए हैं फ्रेंड, और प्रमोटर का भरोसा तो है ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो और भी बेहतरीन है, वो भी लार्ज कैप है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो आपको झुमा देगा। आपको लगेगा भैया ये अभी तक जेम्स छिपा कहाँ हुआ था। ठीक है, उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड फैमिली दोस्त यार जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड।